25 मई को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में हुए शहीदों की याद में दुर्ग के राजीव भवन और दुर्ग निगम में श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में शांति की टापू बनाने शपथ दिलाई गई। राज्य शासन के द्वारा 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शहीदों की स्मृति में 25 मई को हर साल की तरह इस साल भी झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के राजीव भवन में और दुर्ग पालिक निगम में विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सहित अधिकारी कर्मचारियों ने शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर राज्य में पुनः शांति का टापू बनाने हेतु शपथ दिलाई। साथ ही झीरम घाटी में नक्सल हिंसा में शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी सुरक्षा बलों के जवान अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए हम छत्तीसगढ़वासी अपने राज्य में अहिंसा व सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए संकल्पित रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।